अरे बंटी बोल रहा था फिजिक्स वाला में एडमिशन लेना है, ये फिजिक्स वाला क्या है? तो भी बोल रही थी उसके किसी फ्रेंड ने फिजिक्स वाला विद्यापीठ में एडमिशन लिया है, तो ये विद्यापीठ है क्या चीज? ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? और फिजिक्स वाला में फिजिक्स पढ़ाते हैं या कुछ और भी पढ़ाते हैं? मुझे भी नहीं पता, चलो वहीं जाके पता करते हैं। तो हम आ गए हैं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर करने। तो मैम सबसे पहले ये बताइए कि फिजिक्स वाला में सिर्फ फिजिक्स की ही पढ़ाई होती है? नहीं मैम, फिजिक्स वाला एक कंपनी है जिसमें नीट जेईई लेवल पे पढ़ाई होती है, तो आपको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है 9th-10th के लिए, और ऑनलाइन में तो बहुत सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है। अच्छा, तो ये फिजिक्स वाला विद्यापीठ आखिर है क्या? विद्यापीठ जो है वो एक ऑफलाइन सेंटर है, और ये सिर्फ ऑफलाइन नहीं, इंडिया का फर्स्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऑफलाइन सेंटर है। अच्छा, तो ये फिजिक्स वाले विद्यापीठ का विजन क्या होगा? मेन दो विजन है फिजिक्स वाला विद्यापीठ के। फर्स्ट है नेक्स्ट लेवल लर्निंग एक्सपीरियंस, और दूसरा? दूसरा मैं लास्ट में बताऊंगी। अच्छा मैम, सस्पेंस रख रहे हैं आप। तो आपने ये जो बात की नेक्स्ट लेवल टीचिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, ये आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? नेक्स्ट लेवल लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले तो हमारे पास इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, तो आपको पता ही है सारी फैकल्टीज फिजिक्स वाला की होती है ऑसम। उसके साथ साथ हमारे पास है स्मार्ट क्लासेस। अच्छा, अगर कोई बच्चा सब्जेक्ट को हेट करता है तो वो आप कैसे रिजॉल्व करोगे? सबसे पहले जो स्मार्ट क्लास है उसमें स्मार्ट बोर्ड्स लगे हैं, तो उसमें 3D विजन के थ्रू हम बच्चे का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और किसी बच्चे को क्यूरियोसिटी अपनी जगानी है तो बच्चों की क्यूरियोसिटी के लिए हम प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, जिसके थ्रू बच्चा टीचर के साथ एंगेज होता है और सब्जेक्ट को और डेप्थ में समझता है। ये तो बड़ी बढ़िया बात है मैम। अच्छा, अगर बच्चे को किसी कारण की वजह से लीव लेनी पड़ी, उसकी छुट्टी हो गई, तो फिर वो कैसे पैचअप करेगा, वो कैसे अपनी पढ़ाई को पूरी करेगा जो उसने अपने लीव के दौरान छोड़ दी? हमारे जो स्मार्ट क्लास है उसमें कैमरास लगे हैं, जिसमें जो भी लेक्चर्स टीचर ले रहे हैं उस लेक्चर का रिकॉर्डिंग होता है और उसको एप्लीकेशन में अपडेट किया जाता है। तो बच्चे का कभी लेक्चर छूट गया, किसी रीजन से वो बीमार हो गया था, या तो वो क्लास में आया था पर कहीं गप्पे लगाने में, कहीं ख्याली पुलाव पकाने में उसका कंसेप्ट छूट गया, तो वो वहां से रिवाइज भी कर सकता है। अच्छा, आप पढ़ा तो बहुत बढ़िया तरीके से देंगे मैम, पर बच्चे को समझ में आया कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चे को समझ में आया कि नहीं, इसके लिए डेली प्रैक्टिस पेपर DPPs दिए जाते हैं। बच्चा उसमें आंसर की भरेगा, तब उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी, उसके थ्रू टीचर्स को भी पता चलता है कि बच्चे को कंसेप्ट दिमाग में बैठा कि नहीं। और पेरेंट्स, पेरेंट्स को ये सब कैसे पता चलेगा कि बच्चा क्या कर रहा है, रोज टेस्ट दे रहा है, रोज अटेंडेंस, वो रोज आ रहा है कि नहीं, ये सब तो बातें पेरेंट्स को कैसे पता चलेगी? ये सारा एक्सेस भी पेरेंट्स के पास रहेगा। ये तो बड़ी बढ़िया बात है मैम। मैम बच्चे को काफी डाउट आते रहते हैं, और मैंने देखा है कई बार वो डाउट अनसॉल्व रह जाते हैं, तो उसके लिए PW क्या करेगा? इसके लिए तो PW के पास बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। जो भी विद्यापीठ सेंटर है वहाँ 9 घंटे 9 आवर्स डाउट फैकल्टीज होती है, वहाँ पे जाके बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है। अच्छा, अगर समझ लो कल बच्चे की एग्जाम है और वो रात में पढ़ाई करने बैठा है और रात में उसको अचानक से कोई डाउट आ गया, तो कौन सॉल्व करेगा? तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। PW ऐप में सारथी फैसिलिटी है, जहाँ पे 7 PM to 2 AM मतलब शाम को 7 बजे से सुबह 2 बजे तक फैकल्टी अवेलेबल होती है। और पता है मैम इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? क्या? कि बच्चा अगर टाइम टेबल प्रिपेयर करने में भी किसी टीचर की हेल्प लेना चाहता है तो वो भी वहाँ पे मिल जाएगी। ये तो बड़ा सपोर्टिव टीचर्स है मैम। अच्छा मैम, तो ये बताइए कि फिजिक्स वाला विद्यापीठ में कोई टेस्ट वगैरह होगी या नहीं? Yes, बच्चों को एसेस करने के लिए हम हर 15 दिन में एक टेस्ट रखते हैं। उसके बाद बच्चों का जो ऑल इंडिया परफॉर्मेंस है इंडिया लेवल पे, वो कितना परफॉर्म कर पाते, वो कहाँ स्टैंड करते, क्योंकि सारी एग्जाम उसी लेवल की होगी, तो उसके लिए भी टेस्ट बना दिए जाते हैं। मैम अभी ऐसा हुआ कि मेरे बगल में एक लड़का रहता है जिसने जेईई मेंस तो क्लियर कर लिया पर बोर्ड्स में काफी कम नंबर आए, तो मैम बोर्ड्स पे कैसे फोकस करेंगे? बोर्ड्स एंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन एक जैसी एक साथ ही होती है पैरेलली, तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाते तो बोर्ड के लिए भी पढ़ाते, वही बुक्स रिफर करनी होती है, और बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस हो उसके लिए हर 2 महीने पे सब्जेक्टिव टेस्ट है। बढ़िया बढ़िया, पर मैम अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना सारा पढ़ाओगे तो बच्चा कहीं स्ट्रेस में ना आ जाए।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक तो इतने अच्छे सेंटर से, ऑफलाइन सेंटर विद्यापीठ, उसका माहौल इतना अच्छा है कि बच्चा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, टीचर्स के साथ एंगेज रहता है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा हुआ तो प्रेरणा हेल्पलाइन है जहाँ पे बच्चा हेल्प ले सकता है। प्लस SWS की फैसिलिटीज है, दैट इज स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, तो वहाँ पे जाके बच्चा हेल्प ले सकता है काउंसलर से। मैम, मैंने देखा है जो 10th और 12th में बच्चे होते हैं वो काफी कंफ्यूज्ड होते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे 10th वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी है, 12th वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी है, तो ये कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? तो ये इन्फॉर्मेशन भी विद्यापीठ सेंटर्स पे ही मिलेगी कि बच्चे को कौन सी एग्जाम का कब फॉर्म आया, कैसे उसको भरना है, आगे जाके कौन सी कॉलेज चूज करनी है, कौन सी फील्ड में वो जा सकता है, ये सारी काउंसलिंग्स यहाँ पे होती है। ओके मैम, बहुत बढ़िया बात है। मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक फ्रेंड का भाई है, वो राजकोट में पढ़ता है, इतना क्वालिटी एजुकेशन उसको नहीं मिल पा रहा है, तो अगर वो अहमदाबाद आके पढ़ाई करना चाहता है तो फिर उसका रहना खाना सब विद्यापीठ सब कैसे मैनेज होगा मैम? तो इसके लिए भी हॉस्टल, PG, ट्रांसपोर्टेशन की इंफॉर्मेशन भी सेंटर पे प्रोवाइड की जाती है। अरे वाह मैम, अब इतनी सारी चीजें मिल रही है तो अब मुझे टेंशन हो रहा है कि मैम फीस कितनी होगी। तो आपको पता है फिजिक्स वाला अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी एजुकेशन देता है, तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो अफोर्डेबल रहेगी। ये तो बेमिसाल बात है मैम, इतनी सारी चीजें और अफोर्डेबल प्राइस। तो अब ये भी बता दीजिए कि विद्यापीठ आखिर गुजरात में आ कहाँ रही है? तो विद्यापीठ गुजरात में आ रही है अहमदाबाद में 3 सेंटर, सैटेलाइट मणिनगर, गांधीनगर सेंटर, वडोदरा में आ रही है, प्लस सूरत में मैम कौन से 2 सेंटर है? वेसु एंड अडाजन। इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड विद्यापीठ की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए जुड़ते हैं शिक्षा की क्रांति में।